द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। ओम नमः शिवाय। मेरी एक रील थी जो बेटी को हम पंजेबे डालते हैं, झांझरे डालते हैं और वो अपने घर में रखते हैं। वो उपाय था, मैंने रील डाली थी और उपाय बहुत लोगों ने पसंद किया और फ़ोन किया, आप अच्छे ढंग से इस उपाय को समझाइए। कुछ लोगों ने तो गिला शिकवा भी किया, प्रोफेसर साहब हम आपके पास इतनी देर से आ रहे हैं, आपने ये उपाय पहले क्यों नहीं बताया। देखिए, जब समय आता है तब भी वो बात इंसान के पास पहुंचती है, ऐसे नहीं पहुंचती। कई दफ़ा देखा होगा कि आप ऐसे स्क्रॉल कर रहे होते तो मेरी रील सबसे ज़्यादा ऊपर आ जाती है, कई दफ़ा देखा होगा ऐसे ही। जब समय आता है, भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता भाई, तो ये इतनी बड़ी रील इंसान बना के कैसे भेज सकता, उसके बिना कुछ नहीं होता। मैं उनको बहुत मानता हूँ, भोले शंकर को, ओम नमः शिवाय। तो बहुत ध्यान से सुनिए, वो रील क्या थी। वो रील थी जब बाप अपनी बेटी की शादी करता है तो घर में जितनी खुशी होती है, जितने खस्ता वस्ता अपना घर होता है, वो दिनों में ही बिखर जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है। तो अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो हमको कौन सा उपाय करना चाहिए। ये थी रील, मैंने रील में छोट कट मैंने बताया था, लेकिन पूरा उपाय अभी समझाता हूँ। जब बेटी की शादी करनी है, 15 दिन या 1 महीना या 7 दिन पहले ही बेटी के पाँव में नई पंजेब, नई पायल आप पहना दीजिए। उससे क्या होगा, जब बेटी छन छन करके आपके घर में वो हंसेगी खेलेगी, क्यों, क्योंकि हंसने खेलने का तो वो दिन होते हैं, बेटी की शादी हो, घर में बेटे की शादी हो, मंगल कार्य होते हैं, तो हंसने खेलने के दिन होते हैं, तो वो छन छन आपके घर में छनछनाहट की आवाज़ रहेगी। उससे जो बेटी के भाग्य का पैसा है, मेरी बात हमेशा याद रखिए, जो मैं बोलता हूँ वैसे मैं सबको बताता हूँ, भगवान मेरे अंदर वही बातें मुँह से निकालता है जो बात आपके लिए अच्छी होती है। कोई भी इंसान जितने मर्जी पैसे जोड़े, आपके पैसे जोड़े हुए बेटी के काम कभी नहीं आएंगे। बेटी के भाग्य का पैसा आपके पास नहीं है तब भी शादी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि अच्छे ढंग से होगी, क्योंकि भगवान ने पहले से ही उसको भेज रखा है, तो उनके हिस्से का पैसा कोई ना कोई आपको आके जरूर देगा। बेटी की शादी बहुत अच्छे ढंग से होती है, पहले तो ये बात जानिए। जब वो बेटी की शादी आप में एक दिन रह गया, फिर वो पायल को आप निकाल के आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए। तो उससे क्या करना है, जब तिजोरी में रखते हैं तो एक पायल का जोड़ा, जो नया जोड़ा है पंजेब का, वो बेटी के पाँव में नया जोड़ा पहना दें, जाके वो ससुराल में जाए, ताकि उसके घर में भी छनछनाहट रहे, उनके घर में भी पैसों की बहार आए, लक्ष्मी के रूप में आपकी बेटी उनके घर में जाए। फिर आपके घर में जो पायल पड़ी है, पंजेब पड़ी है, अगर आपको लगे कि हमारा काम बंद हुआ है, हमारे काम में बरकत नहीं रही उतनी जितनी पहले थी, जो कि हमारे पास पैसा था वो कम हो गया, कर्जा उतनी रहा जो बेटी के समय आपने उठाया था शादी के समय, तो वो उतर नहीं रहा, उससे हम क्या करें, तो आपने क्या करना है, वही पंजेब पायल आप अपनी पत्नी को पहना दीजिए। उसको बोलिए 2-3 दिन आप घर में पहनकर घूमिए। अगर आप अपनी पत्नी को वही पायल पहनाओगे, आपके घर में आपकी पत्नी भी जो माँ बन चुकी थी बेटी के जाने के बाद, वो भी लक्ष्मी, चंद्र बन चुकी थी, तो लक्ष्मी बन जाएगी, शुक्र ग्रह बन जाएगी। उससे जो आपके घर में पैसे की कमी है वो पूरी होनी शुरू हो जाएगी, जो बेटी के चलते, शादी के चलते आपने कर्जा लिया, कहीं ना कहीं से इंसान लेता ही है, मैंने भी लिया था भाई, मैंने भी जब अपनी बेटी की शादी की थी, ऐसे नहीं होती पर पता ही नहीं चला कि शादी कैसे हो गई, उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे। कहते हैं या तो हड्डबीती का पता चलता है या जगबीती का, जगबीती में बात कभी नहीं करता, हड्डबीती का पंजाबी में हड्डबीती बोल देते हैं भाई, हड्डबीती का मतलब होता है जो हमारे साथ बीती हो, जगबीती का मतलब ये होता है जो पूरी दुनिया के साथ, जग के साथ बीती। हम कहानियाँ सुनाते हैं, मैं कभी कहानी नहीं सुनाता, मैं अपनी बात करता हूँ हर एपिसोड में। तो मैंने भी बेटी की शादी करनी थी, गोल्ड के लिए इतने पैसे नहीं थे, पता नहीं कहाँ से आ गए, और शादी बहुत धूमधाम से हुई, सब कुछ बहुत अच्छा से हुआ, पीछे से थोड़ा सा कर्जा रह जाता है, तो मैंने वो उपाय किया था, मुझे याद है। तो
तो सब कुछ उतर गया, पता ही नहीं चला कैसे उतर गया। तो ये उपाय था जो आपने डिमांड की थी कि हमको पूरा अच्छे ढंग से समझाइए। आपने बहुत फोन किए, बहुत धन्यवाद आपका, जो हमारी रील को आप मिलियन तक लेके जाते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे आप प्यार देते हो। तो कमेंट तो सोच तो कई इंसान की बहुत अच्छी होती जो हमें उसी वक्त फ़ोन कर देते हैं और उसके बारे में अच्छे ढंग से पूछने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऐसे करते हो कमेंट में या बताते हो किसको डीपली बताइए, उसके ऊपर मैं एपिसोड जरूर किया करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो जो आपने मेरे से सवाल पूछा और मैंने आपको जवाब दिया। जिन लोगों के पास ये एपिसोड पहुँचा है शेयर जरूर कीजिए, दूसरे लोगों को भी पता चल सके। ओम नमः शिवाय। Oh.